सही है। तो देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट चली और वो उसको फेंका और वो नीचे आ गई, ठीक है आ गई, और ये जो इनिशियल पॉइंट है और ये जो फाइनल पॉइंट है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं, ये बात भी क्लियर है सबको। अगर ये दोनों सेम पॉइंट पे लाइन करते हैं, वो कह रहा है कि तुम मुझे बताओ इस सारे प्रोसेस में ग्रेविटेशन फोर्स तो लगा होगा, येस और नो, और वो जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर है ना, वो हमेशा कहाँ रहा होगा, नीचे की तरफ वर्टिकली रहा होगा, येस और नो। तो फोर्स की ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के कैसे है, डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, इन दोनों का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। हमने बोला था कि वर्क के तीन केसेस होते हैं, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क होता है जिस साइड फोर्स हो उसी साइड डायरेक्शन, उसी साइड डिस्प्लेसमेंट हो, येस और नो। एक बोला था नेगेटिव वर्क, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये वर्क क्या था, नेगेटिव, और जीरो वर्क जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे लाए करते हो। तो ये वाला वो केस है जिसमें फोर्स एंड ग्रेविटेशन, ये नहीं बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो, ये नहीं बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, हम बोलेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, सो इन दिस केस द वर्क डन इज जीरो। ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा होता है कि अगर एक इस डायरेक्शन में और एक दूसरे 90 पे होता है तो उनका रिजल्टेंट आता है और उन दोनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में 11th में, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें हम बोलेंगे सिंस, लिखेंगे सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, सो द एंगल बिटवीन, सो द एंगल बिटवीन force, angle between force and displacement is 90 degree, which is a case of zero work, which is a case of zero work. फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इसके मोशन में वर्क डन जीरो है, वो ऐसा है क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है, पर एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर और छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट लें तो क्या वो परपेंडिकुलर है, नहीं। तो ग्रेविटी का कुछ वर्क तो हो रहा है पर ओवरऑल वर्क जीरो है, क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव वर्क हो रहा है और थोड़ा नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव, क्योंकि देखो जब वो ऊपर जा रहा है ना, जब वो ऊपर जा रहा है तो वर्क नेगेटिव हो रहा है, क्यों, क्योंकि फोर्स नीचे जा रही है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, ऊपर, तो ये वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव, नेगेटिव वर्क, और जब वो नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, क्योंकि फोर्स भी नीचे खींच रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, और अगर जब हम ओवरऑल वर्क देखेंगे तो इधर का वर्क और उधर का वर्क कट जाएगा, प्लस और माइनस, इसीलिए ओवरऑल वर्क जीरो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटी इस पे कुछ काम ही नहीं किया, कुछ काम किया था पर वो कट गया पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से। क्लियर है ये क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। नेक्स्ट